नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। क्या बीजेपी गुंडों और बलात्कारियों की सरकार है? क्या बीजेपी बलात्कारियों का समर्थन करने वाली सरकार है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको जल्द ही समझ आ जाएगी। दरअसल रीवा में कुछ माह पहले एक बहुत चर्चित दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें एक महंत ने एक लड़की के साथ रीवा राजनिवास सर्किट हाउस में दुष्कर्म किया था, जिसमें सारे आरोपी पकड़े जा चुके थे। अब आप कहेंगे कि इस बात का रीवा रेप केस से क्या संबंध है? जी हाँ, तो आपको बता दें कि जिस रीवा राजनिवास में लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला महंत और इसमें शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो फिर वो आरोपी अंशुल मिश्रा गृह मंत्री जी के स्वागत कार्यक्रम में कहां से पहुंच गया। और बड़ी बात तो यह है कि वह नरोत्तम मिश्रा के नारे लगाते हुए दिखा। क्या नरोत्तम मिश्रा जी इस बात से अनभिज्ञ थे कि जिस आरोपी को जेल के अंदर होना चाहिए था, उससे आज नेताजी अपने नारे लगवा रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वे सारे आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो भी बाहर हो चुके हैं? क्या प्रशासन और नेता सिर्फ गरीबों के लिए ही कानून की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं? आज आपके प्रदेश में ही हुई शर्मनाक घटना से आपकी आंखें नहीं खुली या आंखें खोलना नहीं चाहते कि इंतजार कर रहे हैं कि किसी एक और बेटी का जो ऐसे नीची मानसिकता के लोगों के सामने अपना दम तोड़ दे? क्या आपके प्रशासन का डंडा केवल गरीबों पर चलता है? नरोत्तम मिश्रा जी, ऐसे प्रदेश सेवा करेंगे आप? ऐसे बेटियों को सुरक्षित करेंगे आप? ये है आपका कानून? आप बड़ी कानून की बात करते हैं तो कहाँ गए वे सारे नियम और कानून? या तो ये बातें सिर्फ गरीब जनता के लिए ही कही जाती हैं और आपके कानून सिर्फ गरीब जनता के लिए ही बस लागू होते हैं, और आपकी बेटियों के लिए सुरक्षा और कानून अब मैहर स्टेशन में इस प्रकार स्वागत कार्यक्रम में बहुचर्चित कांड के आरोपी का स्वागत कार्यक्रम के वीडियो में दिखना व नारेबाजी करने का मतलब साफ नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।